Hello students, today we are going to learn chapter number 1, the shopping list mystery. And in this chapter we will read about a boy who loves to play violin. So let's start. Read a story about a boy who loves to play the violin. इसमें एक बच्चे की स्टोरी है जिसे क्या वायलिन प्ले करना बहुत बहुत पसंद था. And is not interested in maths, लेकिन उसे मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. His parents are worried, इसलिए उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत चिंताग्रस्त रहते थे. But one day he surprises everyone by solving a mystery. लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने सब लोगों को सरप्राइज कर दिया. किसने, उस बच्चे ने जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था. उसने एक मिस्ट्री सॉल्व की और सब लोगों को क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया. सो लेट स्टार्ट. व्हेनेवर संदीप वॉज प्लेइंग हिज वायलिन, मतलब जब भी कभी संदीप अपने वायलिन प्ले करता था, मतलब बजाता था, ही वुड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, वो सारी दुनिया भूल जाता था, बाकी की सारी चीज़ें वो भूल जाता था. ही वंस फॉरगॉट दैट ही हैड टर्न ऑन द टैप टू फिल अ बकेट एंड लुक्ड ओनली माइल्डली सरप्राइज व्हेन ही पुट हिज वायलिन डाउन एंड रियलाइज ही वॉज स्टैंडिंग एंकल डीप इन वॉटर इन हिज बेडरूम. एक बार उसने क्या किया, बाथरूम में नल का टैप खुला कर दिया, ठीक है, वो पानी भर रहा था बकेट में, और बाहर जाकर बेडरूम में जाकर वो वायलिन बजाने लगा. और वो वायलिन बजाते बजाते वो बिल्कुल भी भूल गया कि उसने टैप चालू किया है. और उसके कब ध्यान में आया पता है, जब उसके एंकल तक पानी आ चुका था. और वो इतना देखने के बाद भी वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, माइल्डली मतलब अ लिटिल बिट सरप्राइज. स्कोल्डिंग, पनिशमेंट्स, वेट एंकर्स, पुअर मार्क्स इन मैथ्स, नथिंग कुड चेंज हिम. घर वाले उसको डांटते थे, पनिशमेंट देते थे. अभी तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो बेडरूम में खड़ा था और पूरा पानी बेडरूम में भर गया था उसके एंकल तक, वो सारी चीज़ें. और मैथ्स में मार्क्स भी कम मिलते थे, इसमें से कोई भी चीज़ उसे चेंज नहीं कर सकी. व्हेनेवर ही पिक अप हिज वायलिन एंड टक द स्मूथ पॉलिश इंस्ट्रूमेंट लविंगली अंडर हिज चिन, ही वॉज लॉस्ट टू द वर्ल्ड. जब भी कभी वो अपनी वायलिन लेता था, उसकी वायलिन के बारे में क्या बताया आप पर, स्मूथ एंड पॉलिश इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. जब भी वो पैर से अपनी वायलिन लेता था, अपने चीन के नीचे उसे रखता था और वो बजाता था, तो क्या होता था, ही वॉज लॉस्ट टू द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया भूल जाता था. मतलब देखिए उसका फोकस कितना अच्छा था. म्यूजिक इज फाइन एज हॉबी, हिज मदर स्कोल्डेड हिम, उसके मम्मा ने उसको डांटा, कहा कि म्यूजिक एज अ हॉबी ठीक है, बट इट्स सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स दैट विल हेल्प यू गेट इन ऑन इन लाइफ, लेकिन मैथ जैसा सब्जेक्ट है वो तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे ले जा सकता है. देन नेक्स्ट पेज, मिसेस राघवन, ये है संदीप की मदर. मिसेस राघवन, संदीप्स मदर, वर्क एज अ मैनेजर इन बैंक, की क्या थी, बैंक में मैनेजर. हिज फादर वॉज एन अकाउंटेंट, उसके पापा अकाउंटेंट थे. हु कुड टोटल अप कॉलम्स इन अ जिफी, व्हाट इज जिफी, जिफी मतलब क्विकली, मतलब कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फास्ट थे वो. गायत्री, संदीप्स ओल्डर सिस्टर, संदीप की बड़ी बहन. हैड ओन द मैथमेटिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड एट स्कूल 2 years इन अ रो, उसने क्या किया था, उसे अवार्ड मिला था. कौन सा अवार्ड मिला था उसे, मैथमेटिशियन ऑफ द ईयर, और उसने 2 बार जीता था ये. बट संदीप, दो ही वॉज 14, वो कितने साल का था, 14 का, स्टिल कुडंट रिमेंबर वॉट 7 times 8 वॉज, लेकिन उसे 7 8 क्या होता है यही पता नहीं था उसको. माई टीचर सेज दैट इफ़ आई कंटिन्यू टू प्रैक्टिस, मेरी टीचर ने कहा है कि अगर मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करूँगा वायलिन की, आई मे बिकम अ रियली गुड म्यूजिशियन, तो मैं एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता हूँ. ही एक्सप्लेन टू हिज मदर, ऐसा उसने अपने मम्मा को बताया. देखो उसकी मम्मा ने क्या कहा, यू कैन बिकम अ गुड म्यूजिशियन लेटर, कि तुम बन सकते हो, ठीक है, लेकिन वो बाद में. इफ़ यू फेल योर मैथ टेस्ट, अगर तुम मैथ टेस्ट में फेल हो गए, आई एम गोइंग टू मेक यू स्टॉप योर वायलिन लेसन, तो मैं क्या करूँगी, तुम्हारे जो वायलिन की क्लासेस है वो सारे बंद कर दूँगी. मिसेज राघवन सेड विथ अ टोन ऑफ फाइनैलिटी, टोन ऑफ फाइनैलिटी मतलब क्या होता है, अ वे विच सजेस्ट नो फर्दर आर्ग्यूमेंट इज पॉसिबल, मतलब उसने उसकी मम्मा ने क्या किया, वो फाइनल स्टेटमेंट है उसकी मम्मा का.
ठीक है, उसके ऊपर अभी कोई डिस्कशन नहीं होगा। जस्ट लुक एंड गायत्री, की गायत्री की तरफ देखो। शी हैज बीन चोजन टू रिप्रेजेंट हर स्कूल एंड इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। की स्कूल ने उसे क्या किया है, चूज किया है किसके लिए, उसके स्कूल का रिप्रेजेंट करने के लिए, कहाँ पर, एट इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। मिस्टर राघवन क्लेम प्राउडली, उन्होंने बहुत गर्व से उसे कहा। परहैप्स संदीप टेक्स आफ्टर मी, सेड हिज मदर्स कजन। अंकल शेखर हु वर्क एज अ चीफ एडिटर ऑफ न्यूज मैगजीन। अभी ये जो है अंकल शेखर, ये कौन है, संदीप के मदर के कज़न। ओके, और ये क्या करते थे, ही वर्क एज अ चीफ एडिटर ऑफ न्यूज़ मैगजीन। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम संदीप को मेरे पास भेज दो, मतलब कुछ चिंता मत करो, मैं उसे पढ़ा दूंगा। ही हैड कम टू चेन्नई, वो जो है अंकल शेखर वो कहाँ आए थे, चेन्नई, किस चीज़ के लिए, टू रिपोर्ट ऑन द वर्ल्ड क्रिमिनोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए वो चेन्नई आए थे। ओके, क्रिमिनोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। यू वेर होपलेस एट मैथ्स, सेड मिसेस राघवन स्कॉर्नफुली। यू वेर होपलेस एट मैथ्स, सेड मिसेस राघवन स्कॉर्नफुली। तो मिसेस राघवन ने एकदम तिरस्कार से क्या कहा उस अंकल शेखर को कि तुम तो बिल्कुल होपलेस थे मैथ्स में, मतलब तुम्हें तो कुछ नहीं आता था। ट्रू अंकल शेखर वॉज अनपर्टर्ब, मतलब उन्होंने बेफिक्री से कहा कि हाँ ये बात सही है। ओके, स्टिल संदीप माइट बिकम अ ग्रेट कंपोजर और अ कॉन्सर्ट वायलिनिस्ट और एनी ऑफ द मिलियन थिंग्स अवेलेबल टू यंग पीपल टुडे। उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है, लेकिन अभी भी संदीप क्या कर सकता है, एक कंपोजर बन सकता है, वो वायलिन अगर अच्छे से बजाने लगा उसमें वो क्या हो गया, उसमें से अगर वो बिल्कुल ही मतलब बहुत अच्छे से ये सारी वो चीज़ें करने लगा तो वो कॉन्सर्ट ले सकता है, करेक्ट। मतलब ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं, मतलब मिलियन थिंग्स है कि अभी कि जो यंग लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। व्हाट नॉनसेंस, अ पर्सन कांट डू एनीथिंग इन लाइफ अनलेस ही इज गुड एट मैथ, मिसेस राघवन रिप्लाइड फ्रॉस्टीली। क्या कहा मिसेस राघवन ने, फ्रॉस्टीली मतलब क्या होता है, इन एन अनफ्रेंडली मैनर। उन्होंने कहा कि व्हाट नॉनसेंस, ये क्या नॉनसेंस लगा के रखा है तुमने कि कोई भी आदमी है वो बिना मैथ्स के ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मतलब जो आदमी मैथ्स में गुड नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अंकल शेखर सेड स्माइलिंगली, तो अंकल शेखर ने स्माइल करते हुए देखो क्या कहा। डिड यू नो दैट आइजैक न्यूटन हु स्पेशलाइज इन अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल कैलकुलस couldn't keep simple accounts and total of figures। उन्होंने मिसेस राघवन से पूछा कि तुम्हें पता है ये जो आइजैक न्यूटन है जो क्या है, स्पेशलाइज थे अलजेब्रा में, स्पेशलाइज मतलब ट्रेन इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी एंड डिफरेंशियल कैलकुलेशन, लेकिन उनको छोटी छोटी कैलकुलेशन, देखो यहाँ पे लिखा है couldn't keep simple accounts, simple calculations and total of figures, मतलब टोटलिंग भी नहीं आती थी। आई डेंट नो दैट, मिसेस राघवन वॉज टेकन अ बैक। एक्चुअली वो सरप्राइज हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि आइजैक न्यूटन का भी ऐसा कुछ हो सकता है। उसको लगा था कि नहीं वो तो बिल्कुल परफेक्ट ही होंगे, करेक्ट, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो मुझे सब नहीं पता, ठीक है। आई गेस देर आर समथिंग इन लाइफ दैट यू डोंट नो Even if you are good at maths, commented Uncle Shekhar cunningly. Cunningly मतलब चालाकी से। देखो अंकल शेखर ने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें मैथ्स में अच्छा ही होना है। ही टर्न टू संदीप, फिर वो संदीप की तरह मुड़े एंड सेड आई एम इंटरव्यूइंग एंटोनियो सैचरिनी द फेमस इटालियन वायलिनिस्ट टूडे, कि मैं आज किसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, एंटोनियो सैचरिनी, और वो कौन है, अ फेमस इटालियन वायलिनिस्ट। व्हाई डोंट यू मीट मी एट द क्रिमिनोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस, कि तुम मुझे वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में आकर क्यों नहीं मिलते हो। लेटर वी कैन बोथ मीट सिग्नोर सैचरिनी, उसने कहा कि कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हम दोनों भी किससे मिलेंगे,
सिग्नोर सच नहीं, ये जो सिग्नोर है ना इट इज़ इटालियन वर्ड, ठीक है, जैसे हम लोग सर या मिस्टर बोलते हैं ना वैसे यहाँ पर यूज़ किया है। अ डिलाइटेड संदीप अग्रेड इमिजिएटली, अब संदीप तो बहुत खुश हो गया, तो प्रसन्नता से उसने क्या किया, उसने ये प्रपोजल जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया। द नेक्स्ट इवनिंग संदीप अराइव्ड अर्ली एट द वर्ल्ड क्रिमिनोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस, और नेक्स्ट इवनिंग वो जल्दी ही कहाँ पर पहुँचा, वर्ल्ड क्रिमिनोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस में। द हाईलाइट ऑफ द डे वॉज ग्रेट अनसॉल्व्ड क्राइम्स, ठीक है, और उस दिन उस कॉन्फ्रेंस में कौन सी चीज़ पर फोकस डालने वाले थे वो लोग, कौन से टॉपिक पर, द ग्रेट अनसॉल्व्ड क्राइम्स, ये टॉपिक पर वो लोग फोकस डालने वाले थे। आज संदीप स्लिप इंटू हिज सीट, वो अपनी सीट में आराम से बैठ गया। द जेंटलमैन ऑन स्टेज वॉज सेइंग, तो स्टेज में जो जेंटलमैन थे वो बोलने लगे, ऑन बिहाफ ऑफ द क्रिप्टोग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ बेल्जियन पुलिस आई एम टू द केस ऑफ द अनसॉल्व्ड, एक मिनट, ऑन बिहाफ ऑफ द क्रिप्टोग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ द बेल्जियन पुलिस। क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ रीडिंग मैसेजेस रिटन इन कोड। क्रिप्टोग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ बेल्जियन पुलिस की तरफ से आई कम टू द केस ऑफ द अनसॉल्व शॉपिंग लिस्ट मिस्ट्री, मैं कौन सा केस प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, अनसॉल्व शॉपिंग लिस्ट मिस्ट्री। संदीप लीन फॉरवर्ड इन इंटरेस्ट, अभी देखो संदीप अब तक ऐसा ऐसा आराम से बैठा था, अभी उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया टॉपिक सुनकर, तो वो थोड़ा सा सामने की तरफ झुका और इंटरेस्ट से वो सारी चीज़ें सुनने लगा। ही न्यू दैट क्रिप्टोग्राफी वॉज द साइंस ऑफ रीडिंग मैसेजेस रिटन इन कोड, उसे पता था कि क्रिप्टोग्राफी कौन सा साइंस है जिसमें मैसेजेस है वो पढ़े जाते हैं लिखे जाते हैं लेकिन कोड में। बेल्जियम इज फेमस फॉर इट्स फाइन डायमंड ज्वेलरी, बेल्जियम किस चीज़ के लिए फेमस है, फॉर इट्स फाइन डायमंड ज्वेलरी। रिसेंटली लेस कैबिचंस वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी स्टोर्स इन ब्रसेल्स, ब्रसेल में का जो सबसे फेमस और लार्जेस्ट ज्वेलरी स्टोर है कौन सा, लेस कैबिचंस केम टू अस विथ अ वेरी ऑड कंप्लेंट, उन्होंने क्या किया एक वेरी ऑड कंप्लेंट की, ऑड मतलब स्ट्रेंज कंप्लेंट। ओवर द पास्ट ईयर सेवरल ऑफ देयर कस्टमर्स हैड बीन रॉब्ड व्हाइल ऑन देयर वे विथ अ लॉट ऑफ मनी टू पिक अप ज्वेलरी दे हैड ऑर्डर्ड, उस ज्वेलरी शॉप से एक स्ट्रेंज कंप्लेंट आई थी, मतलब बहुत साल पहले की, क्या आई थी कि उनके ढेर सारे कस्टमर जो है उनको लूटा गया था, लेकिन कब, ऑन द वे देयर विद अ लॉट ऑफ मनी टू पिक अप द ज्वेलरी दे हैड ऑर्डर, मतलब वो जो भी लोग थे उन्होंने उस ज्वेलरी शॉप में कुछ ऑर्डर किया था, और जब वो लोग वहाँ पर ज्वेलरी लेने के लिए आते थे और जाते थे उसी टाइम उनको क्या हुआ, उन लोगों को लूटा गया था। द स्टोर वॉज वरीड दैट एन इनसाइडर वॉज इन्वॉल्व, और उन जो स्टोर है उनके लोग वहाँ पर जो स्टोर था उन लोगों को लगता था कि हमारे स्टोर के अंदर ही कोई तो भी है जो इस सारी लूटमारी में शामिल है। वी चेक्ड एवरी एम्प्लॉई एंड नैरोड आवर सस्पिशियस डाउन टू अ लेडी कॉल्ड जीन एगमोंट, तो उन लोगों ने मतलब वो लोग कि हम लोगों ने सब एम्प्लॉइज़ के बारे में पूछा और उनके ऊपर क्या क्या सस्पिशियस मतलब डाउट भी लिया, और फाइनली डाउट कहाँ पर आया उन लोगों का, एक लेडी जिसका नाम था जीन एगमोंट, हुज जॉब वॉज टू टेक डाउन ऑर्डर्स, उसका क्या जॉब था, ऑर्डर लेना। शी रैंग अप कस्टमर्स टू इन्फॉर्म देम दैट देयर ऑर्डर वॉज रेडी, और जब कस्टमर की ऑर्डर रेडी हो जाती थी तब क्या होता था, कस्टमर्स की ऑर्डर रेडी होने के बाद ये जो लेडी है ये उन्हें फ़ोन करके बताती थी कि आपका ऑर्डर रेडी है, एंड वुड आस्क वेदर दे वुड पे इन कैश और बाय चेक, और उन्हें पूछती थी कि वो कैश में कैश पे करेंगे या चेक से पे करेंगे। शी वुड ऑफर टू कीप द बिल रेडी, वो बिल तैयार रखती थी, इफ दे लेट हर नो व्हेन दे वर कमिंग, मतलब वो लोग उसे बताते थे कि हाँ हम लोग आ जाएंगे, तो वो लेडी क्या करती थी, बिल प्रिपेयर करके रखती थी ऑलरेडी। अ स्टडी ऑफ पीपल हु वर रॉब्ड रिवील्ड दैट द सेम लेडी हैड सर्व्ड देम ऑल, और जब उन लोगों ने देखा कि जिन लोगों को लूटा गया है वो सारे लोग ऐसे लोग थे कि जिसको किसने सर्व किया था, जीन एगमोंट ने सर्व किया था, मतलब उसी ने उन लोगों को फ़ोन किया था ऑर्डर के लिए और उन्हें, ठीक है, इसीलिए सब लोगों का ध्यान, इसलिए सब लोगों का डाउट किसके ऊपर गया, जीन एगमोंट के ऊपर।
वी बिगन फॉलोइंग हर, कि हम लोगों ने उसका पीछा किया, मतलब उसकी सारी चीज़ों पर नज़र रखी। वी नोटिस्ड दैट शी वॉज डूइंग समथिंग वेरी ऑड व्हेन शी वेंट टू वन स्मॉल ग्रोसरी शॉप, और हमने क्या नोटिस किया कि वो कुछ तो भी और चीज़ें कर रही थी जब वो कहाँ गई थी, जब वो एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर में गई। She handed over her shopping list to the owner after she had picked up whatever she wanted. उसने पहले क्या किया कि पहले अपनी शॉपिंग पूरी कर ली, और शॉपिंग करने के बाद ओनर को क्या किया, अपनी शॉपिंग लिस्ट दे दी। Normally, no one hands over the shopping list after they complete their shopping. अभी normally ऐसा तो होता नहीं है ना कि हम लोग पहले शॉपिंग कर ले और बाद में ओनर को शॉपिंग लिस्ट दे दें। We realized the list was the code by which she was passing on the message. और फिर हमें ऐसा realize हुआ कि लिस्ट में कुछ तो भी कोड है। What is code? A system of words, letters, figures or symbols used to represent a message in secret form. जैसे आप लोग देखो साइकिल को लॉक लगाते हो, करेक्ट, वो नंबर वाला लॉक रहता है ना, डेट इज़ ऑल्सो कोड। बाई विच शी वॉज पासिंग ऑन द मैसेज, मतलब इस कोड से उसे कुछ मैसेज पास करना था, वो करती थी। विद इन अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों में, वेन अनदर कस्टमर वॉज रॉब, वी अरेस्टेड जिन एगमोंड एंड द ग्रोसरी शॉप ओनर। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही क्या हुआ कि जब उन लोगों के दूसरा जो कस्टमर है उसको भी लूटा गया था, तो उन्होंने क्या किया, जीन एगमोंड और जो ग्रोसरी शॉप का ओनर था उनको अरेस्ट कर दिया। बट द मिस्ट्री वॉज अनसॉल्व, लेकिन जो प्रॉब्लम है, मतलब वो जो मिस्ट्री है वो सॉल्व ही नहीं हुई कि फाइनली ये सारा चीज़ें हो क्या रही है और कैसी हुई है। दो द रॉबरी स्टॉप विद दिस अरेस्ट वी कुड नेवर प्रूव जीन एगमोंड गिल्टी। उसके बाद ये जो रॉबरीज है वो तो सारी ख़त्म हो गई, मतलब बंद हो गई, लेकिन हम लोग जीन एगमोंड को गिल्टी प्रूव नहीं कर सके क्योंकि उन लोगों को कोई सबूत ही नहीं मिला। द पुलिस मैन देन शोर फोटोग्राफ्स ऑफ द स्टोर एंड जीन एगमोंड ऑन द प्रोजेक्टर। तो पुलिस मैन ने क्या किया, उन्होंने प्रोजेक्टर पर फोटोग्राफ्स दिखाए स्टोर के और जीन एगमोंड के। He also showed the copies of shopping list. Yes, उस पर shopping list की copies भी दिखाई। The final slide showed the items found in her car at the time of arrest. और जो final वाली slide थी उसमें क्या दिखाया गया था कि उसने कौन से item लिए और उसके car में कौन से items उसे मिले at the time of arresting, including a, क्या क्या था उसमें, child school bag एंड अ फोल्डर विद सम शीट्स ऑफ म्यूजिक इन इट। एक स्कूल बैग थी और उसमें कुछ फोल्डर थे जिसमें क्या थे, म्यूजिक शीट्स। ओके, ऑफन जिन वुड ड्रॉप हर डॉटर ऑफ फॉर हर पियानो लेसंस बिफोर शी वेंट शॉपिंग। मतलब ये जिन क्या करती थी, हमेशा शॉपिंग के लिए जाने के पहले अपने बेटे को कहा ड्रॉप करके जाती थी पियानो क्लासेस के लिए। दो संदीप एंजॉयड हियरिंग अबाउट The shopping list mystery, a strange restlessness engulfed him, मतलब affected someone very strongly. अब संदीप ये सारी चीज़ें enjoy कर रहा था, सुन रहा था, लेकिन कुछ तो भी उसे अच्छा ही लग रहा था, मतलब ये सारी चीज़ों का कुछ तो भी उसके ऊपर अफेक्ट हुआ था। Later he found himself in Signor Saccherini's hotel suite. फिर उसके बाद वो लोग कहाँ गए, Signor Saccherini से मिलने के लिए, वहाँ पर वो होटल के suite में बैठे थे। Eating a splendid dinner along with his uncle. और क्या खा रहे हैं वो, splendid मतलब शानदार dinner along with his uncle. But Sandeep's mind was not on the food list. लेकिन उसका बिल्कुल भी ध्यान खाने में नहीं था, और even on the famous violinist. अभी देखो वो तो violinist से मिलने गया था लेकिन उसका ध्यान उसकी तरफ भी नहीं था। His mind kept going over the events of evening. उसका सारी उसके बाद उसके दिमाग में क्या बातें चल रही थी कि शाम को कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ उसके बारे में। ही वॉज डीप इन थॉट, वो उसको गहरी सोच में था। वेन सडनली ही हर्ड हिज नेम बींग मैंशन, जब उसने अपना नाम, खुद का ही नाम सुना कि किसी ने उसका नाम लिया, तब वो बहुत बहुत ज़्यादा गहरी सोच में था। माई नेफ्यू इज अ कीन वायलिनिस्ट, अंकल शेखर वॉज सेम। अंकल शेखर क्या कह रहे थे, ये मेरा नेफ्यू है, क्या है, बहुत अच्छा वायलिन बजाता है। A young violinist, yeah. Remarked Saccherini. Saccherini kaha ki young violinist, wow, good. Perhaps he would like to ask me a few questions too. Ki shayad ise kuch questions puchne hoge mujhse.
संदीप वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड, लेकिन संदीप तो प्रिपेयर्ड ही नहीं था ये सारी चीज़ें पूछने के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आई अर सिग्नल सचरी ने कुछ बोल ही नहीं पाया। आई वॉन्ट टू आस्क यू वेदर, एंड देन इन अ फ्लैश एवरीथिंग बिकेम क्लियर टू हिम। पहले उसे कुछ भी ध्यान में नहीं आया, उसने कहा आई वॉन्ट टू आस्क वेदर, और फिर एक फ्लैश मतलब एक मोमेंट ऐसा है कि उसके दिमाग से वो सारी चीज़ें निकली और वो रिलैक्स हो गया। आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट द नट क्रैकर स्वीट, ही एक्सक्लेम। वट इज़ ये नट क्रैकर स्वीट, मतलब पीस ऑफ म्यूजिक, कि मैं उसके बारे में आपको पूछना चाहता हूँ। आई थिंक ही इज़ अ लिटिल नर्वस, सेड अंकल शेखर क्विकली पजल बाय हिज रिस्पॉन्स। और इसका जो ये था संदीप का जो रिस्पॉन्स था वो देख कर अंकल शेखर भी थोड़े से गड़बड़ा गए, और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नर्वस हो गया है, शायद आपसे मिलने के लिए आया है। तो आई एम नॉट नर्वस, संदीप वॉज इंडिग्नेंट, मतलब एंग्री, वो गुस्से से उसने कहा कि मैं नर्वस नहीं हूँ। द मिस्ट्री अबाउट द शॉपिंग लिस्ट कोड लाइज इन द शीट ऑफ म्यूजिक एंड नॉट इन द शॉपिंग लिस्ट। और उसने कहा कि ये जो सारी मिस्ट्री है ना, ये शॉपिंग लिस्ट कोड की, ये शॉपिंग लिस्ट में नहीं है, सॉरी ये जो कोड है वो कहाँ पर है, इट इज़ लाइज इन शीट ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की जो शीट्स है उसी में है, इट इज़ नॉट इन शॉपिंग लिस्ट। वॉट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग संदीप, अंकल से। अंकल ने कहा कि ये सारी चीज़ें क्या बात कर रहे हो, कुछ भी नो नो। एंटोनियो सैचरी ने इंटरवैन, एंटोनियो सैचरी ने उनको इंटरप्ट किया और कहा कि नो नो, वायलिनिस्ट नेवर टॉक रबिश, मतलब जो लोग वायलिनिस्ट होते हैं वो कभी भी फालतू की बातें नहीं करते हैं। द ओनली थिंग आई लाइक ऑलमोस्ट एज मच एज माई म्यूजिक इज अ गुड मिस्ट्री, टेल मी ऑल अबाउट दिस मिस्टीरियस शॉपिंग लिस्ट यंग मैन। तो देखो उन्होंने कितने अच्छे से संदीप से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता था कि सबसे ज़्यादा जो मुझे मिस्ट्री पसंद है वो कौन सी है, माई म्यूजिक, मेरा जो म्यूजिक है वही एक गुड मिस्ट्री है। और फिर उन्होंने पूछा कि तुम मुझे बताओ कि ये शॉपिंग लिस्ट के बारे में क्या कहना चाहते हो। सो संदीप टोल्ड सिग्नल सैचरिनी एज बेस्ट एज ही को। तो संदीप ने जो भी उसको देखा, उसने कॉन्फ्रेंस में जो सुना वो सारी चीज़ें, और वो जो समझा वो सारी चीज़ें उसने क्या की, एंटोनियो सैचरिनी को बता दी। वॉट अदर्स फाइंड डिफिकल्ट, वी म्यूजिशियंस फाइंड ईजी, सेड द वायलिन माएस्ट्रो। वाई मिस्टर सुब्रमण्यम, आई थिंक यू मस्ट कॉन्टैक्ट द बेल्जियन पुलिसमैन एट वंस। तो एंटोनियो सैचरिनी ने कहा कि हम जो कलाकार लोग हैं, जो लोगों को चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है वो हमें ईजी लगती हैं, हम जो म्यूजिशियन हैं उन लोगों को क्या लगती हैं, ये सारी चीज़ें ईजी लगती हैं। तो उन्होंने कहा अंकल शेखर को कि आप एक बार बेल्जियम पुलिस को कॉन्टैक्ट कर लो। ओके, आपको कर लेना चाहिए उनको कॉन्टैक्ट। शेखर सुब्रमण्यम हैड नो ऑप्शन बट टू एग्री। अभी अंकल शेखर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा वायलेंस उसको, उनको अगर कुछ कह रहा है तो उनको सुनना ही पड़ेगा। करेक्ट। अ फ्यू क्विक टेलीफोन कैन रिवेल दैट द बेल्जियन पुलिसमैन वॉज इन द सेम होटल। और फिर जल्दी जल्दी से उन्होंने कुछ फ़ोन किया और उनको क्या पता चला कि बेल्जियन पुलिसमैन कहाँ पर रुके हैं, सेम होटल में रुके थे। आई एम कमिंग अलॉन्ग, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द फोन, सेड सिग्नल एंड सैचरिनी पिकिंग अप हिज वायलिन। सिग्नल सैचरिनी ने क्या किया, अपने वायलिन उठा तो उन्होंने कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ आ रहा हूँ, मतलब ये जो सारे जो फन है वो मैं मिस नहीं करना चाहता। द पुलिसमैन लुक्ड डाउटफुल when he heard the story, but when someone as famous as Antonio Sacchirini was insisting, he thought he had better agree to project one of his slides onto the wall of the hotel room. अभी देखो पहले पुलिसमैन लोग जो है उनको तो डाउट आया कि क्या ये फिर से वही करने वाले हैं, और लेकिन अगर एक फेमस वायलिनिस्ट जो है वो खुद चलकर आपके पास आए और बोले कि हाँ मुझे वो देखना है, वो स्लाइड्स देखनी है, तो वो पुलिसमैन लोग मना नहीं कर पाए। कैन यू सी वॉट आई मीन, सेड संदीप एक्साइटेडली एज द स्लाइड वॉज शोन ऑन द वॉल। तो फिर स्लाइड दिखाने लगे वो लोग वॉल पर। तो संदीप ने कहा कि आपने देखा कि मैं जो बोल रहा था वो, बट ऑफ कोर्स गो हेड एंड शो देम, सिग्नल सैचरिनी अर्ज ऑफरिंग हिम हिज वायलिन। तो उन्होंने क्या किया, सिग्नल सैचरिनी ने अपनी वायलिन संदीप को दे दी और कहा कि ठीक है आप उसको स्लाइड दिखाओ। संदीप टुक द इंस्ट्रूमेंट, संदीप ने इंस्ट्रूमेंट लिया एंड एक्सप्लेन, और देखो उसने क्या एक्सप्लेन किया, द पीस ऑफ म्यूजिक यू सी ऑन द स्लाइड इज टेकन फ्रॉम, ये जो पीस ऑफ म्यूजिक है जो आपको स्लाइड पर दिख रही है ये क्या है,
Tchaikovsky's Nutcracker Suite. This is how it goes and he played in from memory. मतलब ये क्या है, एक म्यूजिक पीस ऑफ म्यूजिक है, ठीक है, और ये सारे जो है जो आपने यहाँ पर लिखा है ये उसी में से लिखा लिया है, कहाँ से, Tchaikovsky's Nutcracker Suite. और ये ऐसा बजता है और वो कुछ तो भी बजाने लगा, ठीक है. नाउ लेट मी प्ले द म्यूजिक एज इट इज़ रिटन ऑन द शीट. तो उसने क्या किया, शीट के ऊपर जैसे वो लिखा थे, जैसे नोट्स लिखे थे वैसे उसने कहा कि मैं वैसे बजाता हूँ, ये मतलब मैं ये वायलिन प्ले करता हूँ. द रिजल्ट वॉज टोटल कैकोफोनी, अ मिक्सचर ऑफ ऑल नोट्स दैट डिडंट साउंड लाइक म्यूजिक एट ऑल. अभी देखो म्यूजिक नोट्स जो रहते हैं वो जब हम लोग प्ले करते हैं तो म्यूजिक जैसे साउंड आती है, अच्छी प्लीजेंट साउंड आती है, लेकिन ये ऐसी नहीं थी. इट वॉज टोटल कैकोफोनी, कैकोफोनी मतलब अ मिक्सचर ऑफ लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड्स. Someone has cleverly inserted a few notes into the original sheet of music. मतलब जो ओरिजिनल नोट्स थे म्यूजिक के उसमें से किसी ने क्या किया था, कुछ अलग ही नोट इंसर्ट किए थे. ओके, सो फ्यू नोट्स आर इंसर्टेड इंटू द ओरिजिनल शीट ऑफ म्यूजिक. लुक, संदीप रीड आउट द नेम्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स अपियरिंग ऑन द स्लाइड. और उसने वो रीड आउट करना चालू कर दिया, ए बी सी शार्प डी ए डी ए जी ए एफ ई ए बी ए सी ए सी सी ई. आई हैव गॉट इट, शाउटेड द पुलिसमैन इन डिलाइट. एकदम खुशी से पुलिसमैन शाउट करके चिल्लाया, उसने कहा कि हाँ मुझे समझ में आया ये. अदा गेव यू इज़ वन ऑफ द वेल्दीएस्ट वुमन इन ब्रसेल्स एंड शी लिव्स ऑन द रियो डे बकासी. शी वॉज रॉब्ड एट गन पॉइंट. उसने कहा कि ये किसका नाम है, अडा गेफ्यू, ये एक वेल्दीएस्ट वुमन है ब्रसेल्स की, ठीक है, और उसे भी गन पॉइंट मतलब गन दिखाकर उसे क्या गया था, लूटा गया था. हर नेम एंड एड्रेस आर इन द म्यूजिक शीट. म्यूजिक शीट में उसका नेम भी है और एड्रेस भी है. यू हैव डन इट यंग मैन, उन्होंने कहा कि तुमने ये कर दिखाया. यू हैव गिवन अस प्रूफ ऑफ जिन एगमोंड्स डिसऑनेस्टी. मतलब तुमने क्या किया, जिन एगमोंड के बारे में हमें प्रूफ दिया, जो सबूत उन लोगों के पास नहीं था, हमें उन लोगों को सबूत मिल गया. क्वेश्चनिंग हर डॉटर एंड द पियानो टीचर माइट लीड अस टू द गैंग हु डिड एक्चुअल रॉबरी. कि अगर हम लोग जिन एगमोंड की बेटी से क्वेश्चन करेंगे, कुछ पूछताछ करेंगे और पियानो टीचर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस गैंग का पता हमें मिल जाएगा जो एक्चुअल रॉबरी में इन्वॉल्व है. इट टूक अ फ्यू डेज फॉर बेल्जियन पुलिस टू फाइंड आउट जिन एगमोंड्स लिंक टू द गैंग्स ऑफ थ्यूज. और वह कुछ दिन, मतलब बेल्जियन पुलिस को कुछ ही दिन लगे और उन्होंने क्या कर लिया, जिन एगमोंड की जो लिंक है किसके साथ, गैंग ऑफ थ्यूज, थिप्स जो थे उनके साथ लिंक जो थी वो उन लोगों ने ढूंढ निकाली. जिन वॉज चार्ज विद द क्राइम ऑफ हेल्पिंग देम. और जिन के ऊपर भी चार्ज लगा क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस गैंग की हेल्प की थी. द थीव्स देमसेल्व्स वेर ऑल्सो कॉट. और सारे जो थीव्स थे वो सारे पकड़े गए थे. द बेल्जियन पुलिस डिपार्टमेंट सेंड अ स्पेशल लेटर ऑफ थैंक्स टू संदीप. अभी देखो ये जो मिस्ट्री है, ये अनसॉल्व मिस्ट्री किसने सॉल्व की, संदीप ने. इसने बेल्जियन पुलिस ने क्या किया, एक स्पेशल लेटर भेजा उसको थैंक्स कहने के लिए. द लेस कैपिटन्स ज्वेलरी शॉप इन ब्रसेल्स सेंड हिम अ डायमंड स्टडेड गोल्ड टाई पिन शेप लाइक अ टाइनी वायलिन. और वो जो ज्वेलरी शॉप था ना जहाँ पर ये सारी चोरियाँ होती थी, उस शॉप से उन क्या भेजा गया संदीप के लिए, अ डायमंड स्टडेड गोल्ड पिन, गोल्ड टाई पिन शेप लाइक अ टाइनी वायलिन फ्रॉम एंटोनियो सैचरिनी. और एंटोनियो सैचरिनी से क्या मिला, देर वॉज अ सरप्राइज गिफ्ट टू ब्यूटिफुल वेरी एक्सपेंसिव वायलिन. और एंटोनियो सैचरिनी से उसे क्या गिफ्ट मिला, एक ब्यूटिफुल और एक्सपेंसिव वायलिन. संदीप फादर वॉज वेरी प्राउड एंड हीज मदर वॉज डिलाइटेड. अब देखो इसके जो पेरेंट्स थे दोनों भी, फादर एंड मदर, उन लोगों को बहुत बहुत गर्व हुआ अपने बेटे पर और वो लोग बहुत खुश हुए थे. बट वॉट थ्रिल्ड संदीप द मोस्ट वॉज दैट ऑन द सेम डे दैट गायत्रीज नेम अपियर्ड ऑन द पेज 6 ऑफ द न्यूज़पेपर. अभी देखो पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को, संदीप ने इतना बड़ा काम किया इसलिए उसका न्यूज़पेपर में नाम आया, करेक्ट. लेकिन उससे भी ज़्यादा थ्रिलर्स उसको जो लगी, थ्रिल थिंग्स, वो क्या थी कि सेम पेपर में किसका नाम आया था, उसकी सिस्टर का भी नाम आया था. लेकिन उसका नाम कहाँ पर था, लेट्स सी, गायत्रीज नेम अपेयर्ड ऑन पेज 6 ऑफ द न्यूज़पेपर
एज वन ऑफ द विनर्स ऑफ मैथ्स ओलंपियाड, मतलब मैथ्स ओलंपियाड में वो जीत गए थे, इसलिए उसका नाम आया था पेज नंबर 6 पर. ओके, हिज ओन नेम, मतलब संदीप का नाम, एंड फोटोग्राफ, और उसका फोटोग्राफ, इट टू बी द फ्रंट पेज. कहाँ पर आया था उसका पे, उसका फोटो और उसका नाम फ्रंट पेज पर. मतलब उसकी जो सिस्टर थी वो कैसे थी, वो बहुत अच्छी थी मैथ्स में, लेकिन फिर भी उसका नाम कहाँ आया, 6 पेज पर. और इसका जो है संदीप का नाम आया फर्स्ट पेज पर. ये जो टॉपिक है आप लोगों को जो दिया है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैथ्स नहीं पढ़ना है या फिर म्यूज़िक पर ही ध्यान देना है. इसका मतलब ऐसा है कि आप लोगों को जो भी चीज़ पसंद है, जो चीज़ पसंद है उसके ऊपर आपको फोकस करना है.